नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। साप्ताहिक सितारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मई से लेकर के 7 मई तक कैसा रहेगा ये सप्ताह, कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी वृष राशि से। इस सप्ताह आप मानसिक रूप से आनंद की अनुभूति होगी। अपने मन की बात किसी को आप बताएंगे जो की आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जो है विकास के काम होंगे। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑफिस में कार्यस्थल पर आपका वातावरण भी सौहार्दपूर्ण रहेगा। धन के आगमन में कोई नया रास्ता या लाभ हो सकता है। स्त्रियों को विशेष रूप से उनके परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलने वाला है। युवाओं को नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। अगर आप तरल पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी विशेष आनंद मिलेगा। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। मन पसंद विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। लव मैरिज के उत्सुक प्रेमी जोड़ों को जो है आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। परिवार के साथ सप्ताह पे कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। आपके लिए शुभ अंक रहेंगे 3, 6 और 9 का जोड़। शुभ रंग की बात करें तो केसरिया रंग और ऑरेंज रंग। शुभ दिशा की बात करें तो साउथ दिशा बेहतरी के लिए आपके लिए अच्छी है। पक्षियों को दाना डालें और लाल चंदन का टीका माथा पर लगाने से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की यानी टॉरस की। मन धर्म कर्म की ओर लगा रहेगा। पिता और माता के प्रति अच्छी भावना रहेगी। मित्रों का सहयोग व सुख मिलने वाला है। व्यवसायियों को थोड़ा विशेष परिश्रम करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक कल काम के जो करते हैं व्यवसायियों को नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यों की अधिकता हो सकती है। युवाओं को विवाह की बात जो है आगे बढ़ेगी। अपने साथी के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा। किसी विशेष जो है बात बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा। कामकाजी स्त्रियों को विशेष कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सहकर्मियों के साथ विशेष जो है आपका व्यवहार रहेगा। बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। अगर आप इंटरव्यू में अगर जाने जा रहे हैं या फिर कोई आपका ट्रांसफर रुका हुआ है तो उसमें भी आपको शुभ सहयोग मिलेगा। लाभ अपेक्षा की अनुभूति अच्छा होगा। शुभ अंकों की बात कर लेते हैं 2, 5 और 6 का अंक। रंग आपके लिए सफेद है और बेहतरी के लिए चावल की खीर बना करके छोटी कन्याओं को बांटे। और जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की चांदनी को जो है आप देखना शुरू करते तो आपके आने वाले कल को भी अच्छा करेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जैमिनी राशि। बुध की राशि है, ये खड़ राशि है। अपने कार्य व व्यापार के क्षेत्र में नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। बड़े व्यवसायों का चयन करने में सफलता प्राप्त होगी। खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष लाभ का योग है। युवाओं को इंटरव्यू नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर जो है अच्छे खुल रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आप अपने मन की बात आपस में कर पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के अच्छे योग है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के किया गया फैसला अहम रहेगा। प्रॉपर्टी व निवेश संबंधी मामले जो है आपके आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉपर्टी विवाद अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको राहत प्राप्त होगी। अतिथि सत्कार का सुख भी इस सप्ताह आपको मिलने लगेगा। बच्चों का खेल कूद में विशेष मन लगेगा। कहीं ना कहीं जो है छोटी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 5, 6 और 8 का योग है। अब शुभ रंगों की बात करें तो टर्काइज ब्लू आपके लिए, स्काई ब्लू रंग जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। बेहतरी के लिए गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और हरे रंग का खाने पीने का सामान या जो है वस्तुएं जो है छोटी छोटी जैसे चूड़िया है, रिबन है, रबर बैंड है, हेयर बैंड है, ये बांटेंगे तो लाभ प्राप्त आपको होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन की चौथी राशि है भार चक्र की। अपने पराक्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको एक मौका भी मिलेगा और उसमें आप सफल भी हो पाएंगे। सफेद वस्तुओं की कारोबारियों को विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उनके आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। यदि धार्मिक वस्तु से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं जीवन में कहीं रुकावट आ रही थी, कहीं बोरियत भी आपको कभी कभी महसूस होती है तो आपने किसी रुचि को भी आप उभार सकते हैं। चाहे म्यूजिक है, डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, कोई ना कोई कला जो है आप करते रहे। अपने पिता को आपके संबंधों में भी आप अगर प्रेमी प्रेमिका है आपस में शादी करना चाहते हैं तो अपने पिता को अपने संबंधों के विषय में बता पाने में समर्थ रहेंगे।
और वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। नौकरी करते हैं तो निरंतर आपको अपने सीनियर का साथ मिलेगा। टीम वर्क आपका जोरदार रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2, 7 और 9। शुभ रंग की बात करें तो सलेटी रंग रहेगा। उपाय के तौर पर मखाने की खीर बांटकर बांटे सप्ताह में कुछ दिन गुड़ का दान भी करें, लाभ रहेगा। अब बात कर लेते सिंह राशि यानी लियो साइन की। मन को प्रसन्न रखने का प्रयास रखना होगा। किसी भी तरह का नया व्यापार या निवेश करने की अगर योजना बन रही है तो कुछ समय के लिए टालना उसको उचित होगा। ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा, लोग आपका उपकार करेंगे। अग्नि व धातु संबंधित व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। युवाओं को अपने घर से दूर जाकर नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त होगा। नए दोस्त बनेंगे, अनपेक्षित सहयोग भी मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा। बुजुर्ग अभिभावकों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। शुभ अंकों की बात करें तो शुभ अंक आपके लिए 1 और 4 रहेगा और ऑरेंज रंग जो है आपके लिए बहुत लकी है। नारियल, गिरी, गेहूं, गुड़, देसी खांड आदि आप जो है दान करें। कन्या राशि अर्थात वर्गो, इस सप्ताह आप अपने कार्य यानी स्वरोजगार की बात सोच रहे हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए, अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। ऋण आदि के लिए आवेदन किया है तो आवेदन स्वीकृत होगा। कला व खेलकूद के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है और अपेक्षित लाभ भी होगा। कार्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर खुलेंगे। महिलाओं को घरेलू काम के साथ साथ बाहर के काम भी प्रेशर रहेगा। बच्चों की प्रसन्नता के लिए खरीदारी या उनके मनोरंजन के लिए कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। शुभ नंबर जो है आपके लिए 5 और 6 और हर रंग का यूज करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यथासंभव पेड़ पौधे लगाएं और थोड़ी देर प्रकृति के साथ समय बिताएं जो आगे चलकर आपके लिए बेहतर रहेगा। सातवीं राशि यानी तुला राशि यानी लिब्रा राशि की बात करें, मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह। मन मुताबिक काम बनेंगे, वाणी से सबको प्रभावित करेंगे। धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आयात निर्यात के कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ मालिकों का विशेष लाभ होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई नई डील या ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। युवाओं को विदेशी कंपनियों में काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। प्रेम सबको बनाए रखने के लिए सजग रहना अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों पर आप अपने से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं। अपने छोटे भाई बहनों को प्रसन्न रखना होगा, उनके मन की बातों पर आपको ध्यान देना होगा जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी रहेगा। महिलाओं को गहने आदि कपड़ों की खरीदारी करने में खूब मजा आने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय शुभ है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुधरेंगी। बाहर का खाना खाने से बचें। योग व प्राणायाम जो है आपको स्वस्थ बनाए रखने में लाभकारी रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 5, 6 और 8 रहेंगे। रंग की बात करें तो सफेद रंग उपाय के तौर पर आप किसी भी तरह की चांदी जो है पहने। घर के लॉकर में चांदी के साथ बासमती चावल थोड़े से मिलाकर के रखने से लाभ होगा। अब बात कर लेते वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि। पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं आपका जो है एक ऐसा बॉन्डिंग बनाने का मौका, जो काफी समय से बॉन्डिंग खराब हो रही थी वो आपको मिलने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की चर्चा होने वाली है। बच्चों के विवाह आदि की बात हो सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। टेक्निकल फाइनेंस के लिए भी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम का इजहार करने में देरी ना करें और सफलता आपको प्राप्त होगी। माता पिता के साथ समय बिताने का आनंद ही कुछ और होता है, तो कुछ समय जरूर माता पिता के साथ बिताएं। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनको अच्छे विवाह प्रस्ताव के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आएगी। स्त्रियों के कार्यों को सराहा जाएगा और प्रमोशन आदि की सूचना आपको मिल सकती है। सब परिवार कहीं ना कहीं छोटी मोटी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है जो आपके लिए लाभ रहेगी। शुभ अंकों की बात करें तो 3, 6 और 8 और 9 का जोड़ आपके लिए लाभकारी है। केसर रंग उपाय के तौर पर यूज करें। लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से लाभ होगा। बूंदी के लड्डू बांटे और सूर्य को चीनी और दूध मिले जल से अर्घ देने से लाभ प्राप्त होता है। अब बात कर लेते धनु राशि यानी सजगेरियस राशि। मन प्रसन्न रहेगा। पीछे से बीमार अगर चले आ रहे हैं इस सप्ताह आपका जो है मन प्रसन्न रहेगा और अगर कोई बीमारी चली आ रही तो स्वास्थ्य लाभ भी दिखाई दे रहा है। कई महीनों से रुका हुआ कार्य बनने की संभावना है। अचानक से नौकरी के ऑफर भी आ सकते हैं। सेना पुलिस में है तो सुरक्षा आदि के कार्यों में लगे रहेंगे। लोगों को विशेष परिश्रम के साथ
काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को भी लाभ के योग दिखाई दे रहे और विशेष प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। महिलाओं को अपने कार्य में अपने संतान के साथ अधिक जागरूक होना होगा, उनकी गतिविधियों में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रहे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन जो है लगाने के लिए उनको अलग अलग तरीके से उनको पढ़ने के लिए बिठाए, घर में सफाई आदि का विशेष रूप से करने का मन लगेगा, बच्चों को जो है एक आउटिंग या फिर छोटा मोटा ब्रेक भी देने की जरूरत है अगर वो परेशान हो रहे हैं तो। विवाह संबंधी बातें अच्छी होंगी यानी कोई अच्छी शुरुआत हो सकती है, जीवन साथी से संबंध जो है सुधरेंगे। शुभ रंगों की बात करें तो शुभ रंग जो है आपके लिए पीला और लाल रंग है। शुभ अंकों की बात करें तो 3, 6 और 8 का जोड़ है। किसी को जो है आप छोटे छोटे उपाय जो कर सकते हैं काले रंग की वस्तुओं का दान करें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, शनि का स्वामी है, 10वीं राशि है। इस सप्ताह नौकरी के लिए घर से दूर जाने के लिए अनुकूल है, माता पिता का सहयोग मिलेगा, स्थान परिवर्तन के भी योग नजर आ रहे हैं, ट्रेवल से संबंधित कार्य करने वालों को विशेष लाभ मिलने वाला है, अंत संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में कोई नई डील हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले जो है सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद बढ़ेंगे, भाई बहनों से अनावश्यक झगड़ा हो सकता है, बातचीत पे नियंत्रण करना ही लाभकारी रहेगा। युवाओं को नए दोस्त मिलेंगे, अपनी संस्कृति पे आप गर्व महसूस करेंगे। श्रृंगार प्रसादन आदि पर थोड़ा सा खर्चा महिलाओं पर ज्यादा हो सकता है, परिवार का माहौल जो है सौहार्दपूर्ण रहेगा, बच्चे बात मानेंगे, किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो वह जो है सुधरने के उम्मीद दिखाई दे रही है। नव दंपति पति के आपस में जाकर के मंदिर जाकर के माता का आशीर्वाद जरूर लेंगे। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ को जल से सींचना लाभकारी रहेगा। शुभ अंगों की बात करें तो 4, 5 और 8 का जोड़ रहेगा। नीला रंग उपाय के तौर पर आप जो है यूज करें वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ दान देते रहे। कुंभ राशि यानी शनि की 11वीं राशि है और जो है अपनी जो है मूल त्रिकोण राशि भी ये बनती है। अपने परिश्रम पर आपको विशेष भरोसा होगा, परिश्रम का परिणाम भी आपको उत्तम मिलने वाला है। विवाह आदि की बात टालने का मन हो सकता है परंतु उसको ना टालने में ही भलाई है, यानी अपना आगे बढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान केंद्रित रहेगा, प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर छोटे छोटे बच्चे बीमार रहते हैं, बार बार बीमार होते हैं तो घर में शाम के समय गूगल की धुनी जो है देना जरूर चालू रखें, हर मंगल शनिवार को जरूर दें। विशेष लाभ में पदोन्नति की भी संभावना बन रही है। इंटरनेट या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोगों को जो है इस सप्ताह बहुत अच्छा ना कोई डील या लाभ मिल सकता है। अपने विकास के लिए आप अतिरिक्त एक्स्ट्रा पढ़ाई या अपने हायर लेवल पर जाना चाहते तो वो भी लाभ होगा। बच्चों की खेल कूद में विशेष रुचि रहेगी, अपने घर के बुजुर्गों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का खाना खाने से बचाएं उनको और गर्मी में जो है उनको ध्यान रखें, कोई भी जो है 2-3-4 घंटे से ज्यादा का पका हुआ भोजन उनको ना खाने दें। शुभ अंक आपके लिए 4 और 8 है। रंग की बात करें तो पर्पल रंग जो है आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जो है आपको जो है भोले बाबा आपके सारे काम पूरे करेंगे। शनि मंदिर में दिया जलाना ना भूले। मीन राशि भाग्य का साथ मिलने वाला है। धार्मिक कार्यक्रमों में मन लगेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। युवा दंपतियों की बात करें तो उनकी विवाह की बात जो है पक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। माता पिता की बातों का आप सम्मान करेंगे, पढ़ाई से संबंधित आपके मामले सुलझेंगे, विदेश आदि जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपके रास्ते खुलने लगेंगे, यानी कोई वीजा या कुछ अटका हुआ है तो वह भी ठीक होना शुरू होगा। आपका व्यवसाय अगर फ्रूट्स का है, फल का है तो विशेष लाभ मिलने की संभावना है। परिश्रम के साथ कार्य करने में आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मकान या वाहन खरीदने का विचार हो सकता है। महिलाओं को नौकरी में थोड़ी सी जद्दोजहद ज्यादा करनी होगी, हो सकता है सहकर्मी थोड़ा साथ ना दें, किसी से बात में टूटू में हो सकती है, बातचीत पर नियंत्रण करना ही लाभकारी रहेगा। सांसारिक सुख भोग की विशेष कामना के लिए आपको जो है किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका ही मिलेगा। बेसन की मिठाई छोटे छोटे बच्चों को बांटे, हल्दी की गांठ जो है, पीला चंदन हमेशा घर में जरूर रखना चाहिए, लक फैक्टर के लिए वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अंकों की बात करें तो 4, 5 और 9 का अंक जो है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस तरह से आप जो है अगर अपने बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिक राशिफल के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, साथ ही परामर्श के लिए जो है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगले सप्ताह का राशिफल देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जो है आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलती हूँ।